हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने आज ज़्यादा नहीं बनाया, बस सिंपल सी दाल बनाई है और उसके साथ रोटी लेके जा रही हूँ। और सुबह जो बनाया वो मासी ने बनाया, गोभी का संभारा जो हमारे में बनाते हैं। और मैंने इसके पहले भी वो रेसिपी शेयर की है, वो बहन के लिए बनाया था। तो वो सब मुझे, मैं आज थोड़ा लेट उठी, बस दाल बनाया। और अभी मिलती हूँ मैं स्कूल में, ठीक है? सो लेट्स गो और देखते हैं बा क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अब यहाँ पे मासी ने तो संभारा बना दिया था, तो मैं अभी मेरी दाल का प्रिपरेशन कर रही थी। तो ये सब रेडी किया मैंने और अब दाल बनाएंगे। तो उसमें डाला घी, फिर ज़ीरा, हींग, कड़ी पत्ता, और अभी उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और उसमें डालेंगे ऑनियन, ऑनियन ऐड करने के बाद जिंजर और गार्लिक दोनों ग्रेट करके डाला, थोड़ा सा हरी मिर्च डाली, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी वापस डाला और हल्दी अच्छे से वापस मिला लेंगे। सिंपल दाल है ये। और इसमें ऐड करेंगे अरहर की दाल, ये तूर की दाल नहीं है, ये अरहर की दाल है, अरहर की दाल हम गुजराती में बोलते हैं। तो बस ये मेरी दाल ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा सॉल्ट डाला और अब डालेंगे धनिया, एंड माय यम्मी यम्मी दाल इज़ रेडी, फुल ऑफ प्रोटीन। और ये है डाइट चिवड़ा जो मेरा फेवरेट है। इसमें ज्वार, मकई वो ही है, वीट भी नहीं है इसमें, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हेलो बेटा। हाँ जाओ जू, बाय बाय बाय। ओके, स्कूल पहुंच चुकी हूँ मैं और अभी करते हैं काम जो कि बहुत सारा है। मिलते हुए आपको सीधा घर पे शाम को। बोलना उनको वीडियो अच्छा। घर वापस आ चुकी हूँ, फटाफट फ्रेश होती हूँ, चेंज करती हूँ और फिर देखते हैं कि हम डिनर के लिए क्या बना रहे हैं, अभी नाश्ते के लिए क्या बना रहे हैं। थोड़े से ब्राउन ब्रेड पड़े थे तो मेरी बहन को बस वही टोस्ट करके दे रही थी। और अब करेंगे डिनर प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ प्याज, क्योंकि मैं बना रही हूँ दाल खिचड़ी, हेल्दी और टेस्टी। और मैं दो तरह की बनाने वाली हूँ दाल खिचड़ी, एक नॉर्मल घर वालों के लिए, सबके लिए, और दादी के लिए स्पेशल स्पिनच वाली। तो यहाँ पे मैं सादी पहले दाल खिचड़ी बनाऊँगी। तो इसमें लिए है घी, थोड़े से मेथी दाने, लवंग, काली मिरी और कड़ी पत्ता। ये जाएगा तड़का। तड़का डालने के बाद हम ऐड करेंगे हींग, मुझे हींग बहुत पसंद है। और फिर ऐड करेंगे हम फाइनली चॉप किए हुए प्याज, लहसुन की पेस्ट, अदरक की पेस्ट, थोड़ी सी हरी मिर्च, सबको अच्छे से मिला लेंगे। मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे इसमें, अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को ऐड करने के बाद हल्दी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन खोलने के बाद ऐड करेंगे धनिया चॉप किया हुआ। मैं ये स्टेज पे भी थोड़ा डालती हूँ क्योंकि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे कंसिस्टेंसी के लिए, पानी ऐड कर देंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे हमारी तूर दाल जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख दी थी साइड में, तो उसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब टाइम आता है चावल का, तो चावल को भी मिला लेंगे अभी। और धीरे धीरे मिलाएंगे, जैसा जैसा नीड हो वैसा उस हिसाब से मिलाएंगे। ये अच्छे से अभी बस मिक्स करना है। तो ये अच्छे से मिक्स होने के बाद ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, एंड अगेन मिक्स मिक्स मिक्स, एंड फाइनल दाल खिचड़ी रेडी विद धनिया। अब बनाएंगे बाकी दाल खिचड़ी। तो उसमें है घी, थोड़ा सा ज़ीरा, हींग, कड़ी पत्ता, प्याज, बा मिर्ची नहीं खाएगी तो उसका मिर्ची के बिना, अच्छे से सबको सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम, ये है स्पिनच और डिल लीव्स, यानी कि हम इसको बोलते हैं सुवा की भाजी, बहुत हेल्दी होती है। और इसी में ऐड कर दिया मैंने गार्लिक का पेस्ट। सो गाइस, यहाँ पे बन रही है, बन गई है, आपने देखी मेरी दाल खिचड़ी, एकदम टेस्टी। और यहाँ पे बा का बन रहा, उसमें है सुवा की भाजी जिसको बोलते हैं दिल, दिल लिव्स, DIL, दिल लिव्स, LEVES ऑफ कोर्स, और स्पिनच।
तो वो हेल्दी खाती है, तो हेल्दी है और उसमें कुछ भी तीखा नहीं है, आप देख लोगे वीडियो में, ठीक है। तो बस अपडेट दे रही हूँ कि मैंने बनाई है दो दो खिचड़ी फटाफट। आपसे बातों बातों में अच्छे से पक गया, तो अभी इसमें ऐड कर दिया मैंने तूर दाल और चावल दोनों को अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे दाल के या चावल के। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी ताकि बढ़िया सा येलो कलर आ जाए खिचड़ी का और ये खिचड़ी रेडी है। आज का ये दिन यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए, आपके पेरेंट्स का ध्यान रखिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे हर वीडियोस मजेदार लगते हैं, तो उसके लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारा ही प्यार के फिर मिलेंगे, चलते चलते बाय गाइस।